का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं, जिसका पलटवार करते हुए बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने गणेश गुदियाल की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गणेश गुदियाल लगातार चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष पद से भी वंचित कर दिया है, उसे लगता है कि उनसे उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और इस तरह के बयान देकर वो कांग्रेस में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं गणेश गोदियाल जी के आरोपों का जवाब देने से पहले कुछ उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि मैं गणेश गोदियाल जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ और उन्हें काफ़ी गंभीर और विवेकशील राजनीतिज्ञ समझता था, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे आप भी कि वो उलझुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, इस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनकी दिख रही है, तो उसके पीछे मुझे जो लगता है कि शायद ये कारण होगा कि वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे हैं, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं, कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया, तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का डिकाला जोन पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। पार्क के निदेशक साकेत बडोला ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के कैंटर वाहन को रवाना किया। आपको बता दें कि बरसात के दौरान 15 जून को हर वर्ष डिकाला जोन बंद कर दिया जाता है तथा 15 नवम्बर को इसे खोला जाता है। पार्क निदेशक साकेत बडोला ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्क प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी करने के बाद इसे खोल दिया गया है। We are excited and hopefully we'll see some tigers. We have four kids with us, so mainly तो उनके लिए हम आ चुके हैं। पिछली बार हमें नहीं दिखी थी, so we are hoping it will दिखेगा। बहुत ही excited हैं हम लोग और हमारा पूरा ग्रुप आया हुआ है 17 लोगों का, तो हमने काफी इसको प्लान करके ऐसे बुक करा के हम पहले दिन जाएं और हम बिल्कुल टाइगर देखने के लिए सारे लोग एक्साइटेड हैं, तो हम जरूर होपिंग कि हमें टाइगर दिखेंगे और बाकी एनिमल्स भी दिखेंगे, तो मेनली तो हाँ टाइगर के लिए काफी एक्साइटेड हैं हम सारे। कॉर्बेट का डिकाला जोन आज से खुल गया है, किस तरह से खोला गया और क्या इसके लिए सुविधाएं इस बात की जा रही है? देखिए, जो देश का सर्वप्रथम और जो सबसे पॉपुलर जो टाइगर रिजर्व है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व टाइगरों का और सबसे ज़्यादा नंबर टाइगरों का यहीं पर पाया जाता है, तो वो आज खुला है। और जैसा कि आप सबको बताया कि बहुत प्यार और बहुत उत्साह वन्यजीव प्रेमियों के बीच में रहता है इस जोन में आने के लिए। 15 नवंबर को ये जोन खुलता है, आज हमने इसकी विधिवत शुरुआत की है, जिसमें कैंटर राइड से, जिप्सी से और लोग जो अंदर रुकते हैं उन लोगों का सब लोग यहाँ पर हैं, जो वन्यजीव प्रेमी हैं वो यहाँ पर हैं। तो हम लोग पर्यटकों के साथ साथ जो वनकर्मी हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन है और जो भी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़े उत्साहित हैं आज इस जोन की ओपनिंग से। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग जो यहाँ पर विजिट करते हैं, जो आते हैं, पूरे टूरिंग सीजन में जो आएंगे, वो यहाँ से वन्यजीव संरक्षण का जो संदेश है वो सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में और पूरे संसार के कोने कोने में यहाँ से लेके जाएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो चर्चित जोन है डिकाला, आज जो है खुल गया है और विधिवत रूप से जो यहाँ के डायरेक्टर हैं साकेत बडोला, उनके द्वारा रिबन काटकर हरी झंडी दिखाकर इस गेट को खोला गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सैलानी है डिकाला घूमने के लिए इस कैंटर सफारी में जा रहे हैं, इसके बाद जो जिप्सियाँ हैं वो भी यहाँ से जाएंगी, जो पर्यटक हैं उनको लेके जो है सफारी कराएंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये डिकाला जोन है इसमें रात्रि विश्राम भी जो है शुरू हो गया है और 25 दिसंबर तक इस जोन के आज से खुलने के बाद से 25 दिसंबर तक ये जोन पूरी तरह जो है सैलानियों से पैक है। और बात करी जाए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की और जो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे जो है पार्क प्रशासन के द्वारा की गई है और जो जितनी भी तैयारियाँ पार्क प्रशासन के द्वारा थी, रात्रि विश्राम की हो, चाहे भवन के जो कक्षे हैं उनकी हो, चाहे रास्ते हो, उसको लेके जो है पार्क प्रशासन ने पूरी तैयारी करके आज इस जो गेट है ढिकाला जो जोन है उसको खोल दिया गया है। रामनगर से रोहित गोस्वामी, न्यूज स्टेट। रामनगर में 4 दिन से घर से लापता एक महिला का शव सिंचाई नहर में बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी मां और भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी मां घर के समीप स्थित नहर में गिर गई थी। महिला के बेटे ने पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह हाथी डगर के आसपास मीडिया हुआ,
कितनी उम्र थी? लगभग 55 साल। क्या नाम था? जोमती कश्यप। कहाँ रह चुकी है? ये स्टेशन के पास। क्या बात है? वैसे आपस में झगड़ा होंगे भैया से, तो बहुत सुनने में तो यही आया है। तो कब से गायब की है? सोमवार रात। मर गया आज मिली बोली? हाँ। कहाँ पे मिली है? ये हाथी डगर के पास गुरोखड़ में, नहर में। नहर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।